साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। क्या था पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर से उतारे गए काले संदूक में, जांच हो कांग्रेस। कांग्रेस का दावा है कि चित्रकूट कर्नाटक में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले उनके हेलीकॉप्टर से काला संदूक उतारा गया था, जिसे जल्दी जल्दी एक निजी कार में रवाना कर दिया गया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए कि इसमें क्या था, इसमें नकद नहीं था तो जांच होनी चाहिए। मोदी जी को 42 जवानों की चिता की राख से राष्ट्रीय लग नहीं करने देगी जनता, कांग्रेस नेता। 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने पुलवामा हमले को लेकर कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे कि 42 जवानों की हत्या करके उनकी चिताओं की राख से अपना राष्ट्रीय लग कर ले, जनता नहीं करने देगी। कुरैशी ने कहा कि प्लान करके आपने ये करवाया ताकि आपको मौका मिले, लेकिन जनता समझती है। पार्टियों को 99% दान, 10,01,00,000 इलेक्ट्रोलर बॉन्ड से मिला आरटीआई। एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है कि राजनीतिक दलों को मार्च 2018 से जनवरी 2019 के दौरान दान में मिली कुल रकम का 99.8% हिस्सा 10,01,00,000 के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में मिला है। बतौर आरटीआई इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए 1,407.9 करोड़ की रकम दान दी गई, जिसमें 1 करोड़ के 1,258 बॉन्ड्स थे। 17 दिन में जान गया था मोदी जी की सेना के लिए योगी पर चलना चाहिए राजद्रोह का केस, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सेना को मोदी जी की सेना बताने पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम सोशल मीडिया द्वारा युवाओं का ब्रेन वॉश कर रही है। गहलोत ने कहा कि 2014 में मोदी झूठे वादों पर जीते थे। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।